की राजनीति में देखने को मिलेगा बड़ा ही उलटफेर। यहां पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का परिवार सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होगा। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की मौजूदगी में किया जाएगा। शोभा रानी कुशवाहा के परिवार सदस्य एक एवं विधायक प्रतिनिधि देवर उपेंद्र कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में समर्थक भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि कार्यक्रम से विधायक शोभा रानी कुशवाहा दूर ही रहेंगी। जी राजस्थान न्यूज पर विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा ने की पुष्टि। विधायक शोभा रानी कुशवाहा का परिवार कुशवाहा और माली समाज वोट बैंक पर रखता है अपनी मजबूत पकड़। इस सियासी समीकरण बदलने के बाद लोकसभा चुनाव में एक पार्टी को मिलेगा इसका काफी ज्यादा फायदा। भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र कराबशर ने भी बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि की है। 19 अप्रैल को करौली धौलपुर संसदीय सीट पर पहले चरण का मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शोभा रानी कुशवाहा के परिवार को भाजपा में शामिल होने पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। कुशवाहा और माली समाज के नेता शोभा रानी कुशवाहा के परिवार को माना जाता है। धौलपुर और करौली जिले में कुशवाहा समाज का मतदाता दखल रखता है। ऐसे में अगर शोभा रानी का कुशवाहा परिवार भाजपा में शामिल होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। भानु मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुट चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भानु, एक तरफ तस्वीरें हमने कुछ टाइम पहले भी देखी थी जब कांग्रेस का कुनबा खाली होता जा रहा था, बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा था, मतदान की प्रक्रिया लगातार चली और ऐसे में अब चुनाव प्रचार है, बड़े दिग्गजों का मरुधरा में एंट्री हो गई है। अभी भी लगातार कांग्रेस से जो कई लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज तकरीबन 2 दर्जन लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कुशवाहा परिवार भी इसी पार्टी में शामिल हो रहा है, इससे क्या बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो शोभा रानी कुशवाहा जो विधायक है धौलपुर विधानसभा से, उनका परिवार काफी बड़ा परिवार है और उनकी पूरे जो कुशवाहा व माली समाज में जो उनकी जो मजबूत पकड़ है, तो उसी मजबूत पकड़ का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो पूरा परिवार और हजारों की संख्या में जो नगर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व सरपंच, बड़ी संख्या में जो समर्थक है उनके, वो आज भाजपा का दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शोभा रानी विधायक शोभा रानी का परिवार है, कुछ शोभा रानी का जो वोट बैंक है कुशवाहा माली समाज में बड़ी तादाद में, और चारों ही विधानसभा राजाखेड़ा बसेड़ी बारी व धौलपुर में बहुत आज संख्या में कुशवाहा समाज के वोटर की संख्या अधिक है, वो कहीं ना कहीं निर्णायक रूप में अपनी महत्व रखते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक शोभा रानी कुशवाहा का परिवार का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे बड़ा प्लस लोकसभा चुनावों में जीत की राह पर खड़ा करता है। जी बिल्कुल भानु, और इससे पहले भी देखिए ये तो दल बदलने की पुरानी राजनीति रही है और इससे पहले भी इन्होंने इसी तरीके की चीज जो हमने देखी थी कि कैसे 2018 में बीजेपी विधायक रही थी जब 2020 में गहलोत सरकार की संकट मोचक भी बनी थी कुशवाहा, और ऐसे में अब एक बार फिर से कांग्रेस को छोड़कर एक बार फिर से जब वो बीजेपी का दामन थाम रही है, निश्चित तौर पर बड़ा फायदा यहां पर साबित होता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया भानु तमाम जानकारी के लिए।